Assalamualaikum, मेरा नाम आसान है और आज की वीडियो में मैं कैमरा कंपैरिजन लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 और iPhone 7 का। तो अभी इस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 1080p पे और अब थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। थोड़ा भागते हैं, तो अभी इस टाइम वीडियो बन रही है 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड। स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं थोड़ी सी, अब थोड़ा भागते हैं ताकि स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा हो सके। तो ये वीडियो भी थी 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की। तो जो S8 है उसका जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है विद एन F1.7 एपर्चर और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। जबकि जो S8 का फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है विद एन F1.7 एपर्चर और इसमें भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है। और अब बात करते हैं आईफोन की। तो इसमें भी जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है विद एन F1.8 एपर्चर और इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसमें भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। जबकि जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का है विद एन F2.2 एपर्चर। अब बात करते हैं इमेजेस की। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि जो S8 का जो एंगल है वो वाइड है, यानी यू गेट मोर एरिया इन योर शॉट। और इसके बाद जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इन दोनों शॉट्स में एक कलर का डिफरेंस है। अब आप, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कौन सी शॉट को अच्छा समझते हैं, लेकिन जो iPhone 7 की शॉट है वो ज़रा फ्लैट लुकिंग शॉट है, जबकि जो S8 की शॉट है वो ज़रा पंची शॉट है और इसमें थोड़ी वाइब्रेंस भी ज़्यादा है। अब ये एक और शॉट है और इस शॉट में आप देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट्स हैं कि जो S8 की शॉट है वो ज़रा पंची है, जबकि जो iPhone 7 की शॉट है वो ज़रा फ्लैट लुकिंग शॉट है। अब ये शॉट लो लाइट में ले गई थी तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी डिफरेंस इसी वजह से है कि जो iPhone 7 है उसका जो फ्रंट कैमरे का एपर्चर है वो F2.2 है, जिसकी वजह से लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और जो S8 है उसका जो फ्रंट कैमरे का एपर्चर है वो 1.7 है। और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आप देख ही सकते हैं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बैक कैमरा, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं उनमें स्लाइट डिफरेंस है। अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब जो iPhone 7 के जो कलर्स हैं वो ज़रा नेचुरल लुकिंग है, जो S8 के कलर्स हैं वो ज़रा ओवर सैचुरेटेड हैं और मतलब कि इसमें वाइब्रेंस ज़्यादा है। आप ये ग्रास देख सकते हैं, इसमें ज़रा वाइब्रेंस ज़्यादा है। अब ये एक और शॉट है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो iPhone 7 की शॉट है उसके अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा है और जो S8 की शॉट है वो ज़रा प्लीजिंग शॉट है, यानी वो ज़रा अच्छी लग रही है, जबकि जो iPhone 7 की शॉट है वो ज़रा डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है। इसकी वजह यह है कि इसमें कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है और बैकग्राउंड में जो S8 की जो शॉट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाइब्रेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव शॉट लग रही है। अब ये एक और शॉट है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो iPhone 7 की शॉट है उसमें ज़रा स्काई को प्रेफर किया गया, जबकि जो S8 की शॉट है उसमें जो ट्रीज़ का कलर है उनमें वाइब्रेंस ज़्यादा है, यानी ये ओवरऑल एक पंची इमेज दे रहा है S8 जो सा है, जबकि जो iPhone 7 है वो ज़रा फ्लैट लुकिंग शॉट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये शॉट लो लाइट में ली गई थी बैक कैमरे से और इसमें आप देख सकते हैं कि जो iPhone 7 की शॉट है उसमें ज़रा नॉइज़ ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि जो इसका एपर्चर है बैक कैमरे का वो F1.8 है, जबकि जो S8 की शॉट है उसमें ज़रा नॉइज़ कम है और इसका जो एपर्चर है वो 1.7 है, और इसमें इस शॉट में जो 1.7 है वो आपको अपना रिज़ल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कैमरा कंपेरिजन। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस मोबाइल का कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा। और आज के लिए इतना ही था, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।